हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं शिमला मिर्च और आलू की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। शिमला मिर्च और आलू की सूखी सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है। इसे हम पूरी, पराठा, थेपला या तंदूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख लिया है। गैस को ऑन करेंगे। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे। तेल में जीरा भुन चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे 1/2 चम्मच हींग। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा करी लीव्स। और इसके बाद हम डालेंगे 1 बड़ा प्याज जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब हम तेल में प्याज को 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, यानी कि प्याज को सॉफ्ट होने देंगे। हमें चलाते हुए भूनना है, जलने नहीं देना है। प्याज को हमने 4 मिनट तक भूना है, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट। कैप्सिकम के सब्जी में दरदरा कूटा हुआ अदरक लहसुन हो तो खाने में एक एक स्वाद अलग अलग आता है। तो हम इसे भी 2 मिनट तक प्याज के साथ भून लेंगे। अदरक लहसुन प्याज सब भून चुका है। इसका कलर भी हल्का ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। तो आलू को हमने पील करके छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब इसे हम डाल देंगे और प्याज के साथ हम इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। कैप्सिकम हम बाद में डालते हैं क्योंकि तो कैप्सिकम बहुत जल्दी पक जाता है। तो पहले हम आलू को मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे। प्याज के साथ हमने आलू को 4 मिनट तक भूनना है। आलू थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगा है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप तीखा कम खाते हैं तो 1 चम्मच कर दीजिए। 2 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। मसालों को हम आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक हम मसाला को आलू के साथ भून लेंगे। ध्यान रहे, जब हम मसाला डालते हैं तो गैस का फ्लेम स्लो कर लेते हैं क्योंकि मसाला जलना नहीं चाहिए। ये ड्राई मसाला होता है। अगर हम पानी में घोल के डालते हैं तो तेज फ्लेम पे डालते हैं। अगर सूखा डालते हैं तो फ्लेम एकदम स्लो करके डालते हैं। 2 मिनट हमने भून लिया आलू को मसाले के साथ। अब हम इसमें 2 बड़ा टमाटर बारीक काट लिया है, उसे डाल देंगे। जब हमने टमाटर डाल दिया तो टमाटर गलने के लिए हम नमक भी डाल देंगे क्योंकि नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। तो हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम आलू के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का, खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, एक कवर से कवर कर करके 5 मिनट तक आलू को अच्छे से मसाले और टमाटर के साथ पका लेना है। 5 मिनट तक हमने टमाटर के साथ आलू को भी पका लिया है। तो हम ढक्कन हटा के एक बार चला लेते हैं।
आप देख सकते हैं मसाले का कलर, टमाटर गल चुका है, आलू भी 80% पक चुका है। हमने आलू को पहले पकाना जरूरी है क्योंकि कैप्सिकम सॉफ्ट होता है। तो आप देख सकते हैं आलू 80% पक चुकी है। अब इस स्टेज पे हम कैप्सिकम ऐड करेंगे। तो हमने कैप्सिकम को धो के पोंछ के ऐसे मीडियम साइज में काट लिया है। थोड़ा साइज बड़ा रहेगा तो आलू में अच्छे से दिख पाएगा कैप्सिकम पकने के लिए। तो ये बहुत जल्दी पक जाता है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट चीज है। अब हम मसाले और आलू के साथ कैप्सिकम को मिक्स कर लेंगे। मसाला भुनने के बाद हमने गैस का फ्लेम फिर से मीडियम कर रखा था। कितना बढ़िया कलर आ रहा है आलू के साथ कैप्सिकम का। तो हमने आलू के साथ कैप्सिकम को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि कैप्सिकम की सब्जी ड्राई ही बहुत टेस्टी लगता है। अब हम कवर करके इसे 5 मिनट तक आलू के साथ पकाएंगे। बीच बीच में 1 से 2 बार हम चला भी सकते हैं। बीच बीच में हम कवर हटा के सब्जी को चलाते रहेंगे तभी अपना कैप्सिकम और आलू बराबर से पक पाएगा। तो हम अच्छे से सब्जी को चला लेते हैं। कितना बढ़िया अपना मसाला गल चुका है, सब्जी का कलर भी बढ़कर आ रहा है। तो हम इसे फिर से कवर करके एक बार पका लेंगे, फिर चेक करेंगे। तो चलिए हम सब्जी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अपनी सब्जी एकदम अच्छी खासी तैयार हो गई है। आलू प्याज टमाटर सब गल चुका है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डाल के हम सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमको अब आलू चेक करना है। तो एक आलू को हम आपको मैश के दिखा दे रहे हैं। देखिए कितनी अच्छे से आलू गल चुकी है। ऐसी ही आलू गली हुई कैप्सिकम में अच्छी लगती है। अब हम कैप्सिकम भी खा दे रहे हैं। ये भी गल चुका है पर हमने लेप डाला तो इसकी शेप अच्छी खासी उखड़ के दिख रही है। तो अब हमें गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेना है और गरम मसाला सब्जी ऑब्जर्व करें इसके लिए 2 मिनट तक कवर करके छोड़ देंगे। फिर हम सब्जी को सर्व करके दिखाएंगे। तो चलिए हम सब्जी सर्व कर लेते हैं। इतना सुंदर सब्जी का कलर आया है। गर्मा गर्म कैप्सिकम आलू की सब्जी बनकर तैयार है, यानी शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। इसे बनाना आपने देख लिया कितना आसान है। और ये सब्जी आप पूरी पराठे तंदूरी के साथ खाइए, बहुत ही जायकेदार लगती है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और हर बार की तरह मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना।